तो गाइज आज मैं आपको बताऊंगी कि 45 डिग्री का शेड होता कैसा है और मर्ज का शेड होता कैसा है। जिन्हें पता नहीं है कि 45 डिग्री, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे मुझसे कि मैम 45 डिग्री पे ड्राइंग बना के दिखाएं वो शेड कैसा होता है। तो मैं एक रफ पेज पे आपको पहले बता दूं कि उसका शेड करना कैसे, आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है और मर्ज का प्रैक्टिस कैसे करनी है। तो मर्ज तो यूजुअली सब जानते होंगे, सिंपली होता है कि कोई भी एरिया को डायरेक्ट जैसे आपको दिख रहा है आप उस हिसाब से करते जा रहे हो। ठीक है, एक बॉक्स ले लेते हैं, इसके अंदर मान लीजिए मुझे एक काम करना है। ठीक है, तो बस इसको भर दिया सिंपली। ऐसे और आपको जैसा आपका जो काम है आपको जैसा दिख रहा है गाइस, तो आपको ऐसे बस आपको जहाँ डार्क दिख रहा है आप वहाँ पे हल्का डार्क कर सकते हो, जहाँ हल्का दिख रहा है वहाँ हल्का कर सकते हो। तो ये सिंपली एक मर्ज है। ठीक है, इसके ऊपर फिर आप टू बी, ये तो मैं टू बी से कर रही हूँ, इसको और डार्क करना तो इसके ऊपर आप 4B यूज़ करो, फिर और डार्क करना तो 6B यूज़ करो, फिर और डार्क करना तो 8B देन 10B। तो आप ऐसे कर सकते हैं, ये आपका मर्ज काम है। और मर्ज में साथ साथ सिर्फ पेंसिल से ही नहीं करना है, साथ में मर्ज करके साथ में आपको ये ब्रश का यूज़ करके इसको स्मूथ और कर लेना है। क्योंकि जो आपको जो स्ट्रोक दिखता है, अगर आप ब्रश से ऐसे कर लो तो ये चीज़ जो आपको स्ट्रोक जो अगल बगल दिख रहा है ये बहुत हद तक, मतलब ये नहीं दिखता। ठीक है, आप अच्छे से करोगे या तो आप ब्रश का यूज़ कर लीजिए या तो फिर आप कॉटन का यूज़ कर लीजिए। आप कॉटन से भी ऐसे कर सकते हो, तो इससे भी क्या होगा कि ये पूरा मर्ज हो जाएगा स्मूथ की तरह। ठीक है, तो कॉटन होता है कि थोड़ा फैला रहता है तो इसलिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं होता। ब्रश एकदम इसका थोड़ा नोक बना रहता है, पॉइंटेड होता है, तो आप इजीली मतलब यहीं तक ले जाना है। कॉटन से करोगे तो थोड़ा होगा कि आगे पीछे आपका फैल जाएगा, ब्रश से फैलेगा नहीं आपका, ये फ़ायदा है। और यूजुअली सारे के सारे लोग, ज़्यादातर लोग ब्रश का यूज़ ज़्यादा करते हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप भी ब्रश का यूज़ करो, बहुत अच्छे से हो जाता है। तो ये आपको हो गया मर्ज बेस्ड काम। ठीक है, अब इस पर आपको फिर से और डार्क करना है। मान लीजिए आपको इस पर, मैंने 2B यूज़ किया था, उसके बाद मैं मान लीजिए मैं इस पर 6B यूज़ कर देती हूँ इसी पे, कि मुझे डार्क करना है, कहीं डार्क दिखाना है। तब ऐसे करके फिर लास्ट टाइम साइड का डार्क होना चाहिए, फिर डार्क से लाइट हो जाना चाहिए। तो आप फिर ऐसे करके इसी पे मर्ज करके ये मिलता जा रहा है। ठीक है, यहाँ डार्क हो जाना चाहिए, यहाँ पे डार्क, तो जैसा आपको दिख रहा है आप फिर वैसे काम करें। यहाँ के लगे कि मिल गया तो आप धीरे धीरे अपने हाथ को, यहाँ पे लगे डार्क तो आप थोड़ा सा और ज़्यादा डार्क कर लें पेंसिल से चला चला के, एक ही पे आप ज़्यादा थोड़ा प्रेस करके चलाएंगे तो और डार्क होगा, तो इस हिसाब से। लेकिन आप जैसे करते जाएं और साथ ही में जब ये हो जाए तो फिर आप इस ब्रश से यूज़ करके इसको मर्ज कर ले अच्छे से, इस तरह से, तो ये मिक्स हो जाएगा। तो ये आपका हो गया कि जो ये मर्ज बेस्ड काम है, आपको अपने काम में ऐसे ही मर्ज करके ही करना है। अब रहा कि 45 डिग्री पे आप काम कैसे करोगे, 45 डिग्री कैसे होता है। ठीक है, तो 45 डिग्री में बता दूँ, जैसे कि आप ये एंगल देखें, ठीक है, 90 डिग्री एंगल, ये आपका 90 डिग्री एंगल हो गया, इसका हाफ हो गया आपका 45 डिग्री एंगल। तो जो ये लाइन गया है, इसी लाइन पे आपको काम करना है ऐसे चला के, इसी लाइन पे। तो आपको चलाना कैसे है स्टोव, तो आप ऐसे ले पेंसिल, आप मेरा हाथ देखिएगा, मेरा हाथ कैसा मूव कर रहा है, लाइक दिस, इधर से भी जा रहा है, इधर से भी आ रहा है। ठीक है, उससे इधर, ये दोनों साइड से करने का ये इसमें अच्छा बात है कि अगर आप एक साइड से करते हो लाइक ऐसे ऐसे करके, इसमें एक थोड़ा सा ये हो जाता है कि यहाँ पे पॉइंट बनने लगता है थोड़ा। हमको पॉइंट ये है कि बने ना, ये पॉइंट बनेगा, क्योंकि इसको तो आप एक बार चलाओगे तो फिर आप इसको मर्ज करना नहीं होता है, ब्रश नहीं चलाने होते, फिर ये पॉइंट कहीं कहीं दिखेगा तो धब्बा धब्बा लगेगा। और इस तरह से क्या होता है कि इसमें पॉइंट नहीं बन रहा है, एकदम हल्का से ऐसे उठाना है और फिर ऐसे लाना है, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो ऐसे आपको काम करना है अपने वर्क में। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि काम कैसे करने हैं। एक साइड से कभी कभी एक साइड से ज़रूरत पड़ता है करने का, लेकिन कहाँ पे ज़रूरत पड़ता है वो भी मैं बता दूँ आपको।
कि लाइक मैं इसी में बताती हूँ आपको, जैसे कि ये तो मर्ज कर लिया मैंने, अब मर्ज विथ 45 डिग्री में जो इसी पे करना है, तो मैं क्या करूँगी कि अब इसी पे, क्योंकि ये तो स्ट्रोक इसमें नज़र नहीं आ रहा है, इसमें सिर्फ मर्ज नज़र आ रहा है, हम मैंने कहा कि स्ट्रोक दिखना चाहिए, तो आप इस पे स्ट्रोक फिर आप ऐसे करो, इसी के ऊपर आप 45 डिग्री का स्ट्रोक ऐसे मार दो, तो ये आपका 45 डिग्री भी दिखेगा, तो ये फिर आपका साथ साथ मर्ज के साथ साथ स्ट्रोक भी दिखेगा, तो ये ज़्यादा अच्छा दिख के आता है। ठीक है, इसे थोड़ा डार्क करना है तो आप और थोड़ा सा डार्क जो पेंसिल है वो लेके आप और डार्क कर लीजिए इसी का मर्ज। ये करना है आपको, और आपको लग रहा है कि साथ ही की और साथ में ये साथ ही ख्याल रखिए, जब आप ऐसे करोगे, मान लीजिए मैंने इसमें दिखाया कि ये आपका एरिया है ड्राइंग का और इसी में आपको काम करना है, तो आप जब ऐसे करोगे तो काम जो ये जो 45 डिग्रीज आता है ये ऑटोमेटिक ये बाहर निकलेगा, थोड़ा निकलेगा आपके काम के बाहर, इससे घबराना नहीं है कि यार बाहर निकल रहा है, जो बाहर निकल रहा है सिंपली आपको इरेजर लेना है और उसको इरेज कर देना है। ठीक है, क्योंकि ये निकलता है, क्योंकि ये फ्री हैंड काम होता है, आप ऐसे करोगे तो ये थोड़ा बहुत निकलता है, हम लोग का भी निकलता है, तो इसमें ये नहीं घबराना कि अरे यार निकल गया तो क्या, तो बस आप एक इरेजर लो और आप अच्छे से इसको इरेज कर दो। ठीक है, और साथ ही कभी कभी होता है कि कॉर्नर में ज़्यादा काम करना है, यहाँ पे हमको डार्क लाइन करना है 45 डिग्री में, तो कैसे करें, तब जाके आप यहाँ पे एक साइड से थोड़ा ऐसे करके कर सकते हैं, यहाँ पे ही पॉइंट बनेगा, लाइन पे बनेगा तो ये पता नहीं चलेगा, तो उस जगह पे आप एक साइड से 45 डिग्री पे ऐसे चला सकते हैं। ठीक है, ताकि यहाँ का एरिया जो है वो डार्क हो, और जो ये थोड़ा बहुत निकल रहा है पॉइंट वॉइंट, तो इसको आप पतले ब्रश या फिर आप पेंसिल जो इरेजर होता है ये, इससे आप इसको इरेज कर ले साइड साइड, पेंसिल इरेजर से इरेज कर सकते हैं, और अगर पेंसिल इरेजर नहीं है तो मैंने जो बताया था कि आप कट पीस यूज़ करें, ये बहुत ही अच्छा होता है साइड साइड, एकदम से नहीं मिटेगा कहीं और बहुत अच्छे से इरेज हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं, इसका यूज़ हाईलाइट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, कैसे आपको कहीं पर यहाँ पर हाईलाइट करना है, एक ऐसे चला दो। ठीक है, अगर इसे चलाओगे तो ये बहुत ही इसका पोजीशन बहुत ज़्यादा चौड़ा होता है तो ये पूरा ही मिटा देगा, आपको इसका पतला सा करना है तो आप एकदम से ऐसे पकड़े पतला सा, तो ये हाईलाइट करने के लिए है। ठीक है, और साथ ही बता दिया मैंने कि आप एक साइड से करोगे तो इधर का वो डार्क हो जाएगा और ये 45 डिग्री का शेड भी लगेगा। और जब भी आप काम करें ना तो काम पर एक ध्यान दीजिए, पेंसिल जो आप पकड़ते हैं क्या तरीका है कि आप बस एक इसको घुमाते भी रहे साथ साथ, ये घूमता रहेगा तो हर तरह से नोक, ये जो नोक है जल्दी इसका हटेगा नहीं, एक ही साइड से करोगे तो इसका नोक तुरंत हट जाएगा। ठीक है, तो आप थोड़ा किए फिर तुरंत घुमाएं, तो आपके माइंड में सेट होना है कि थोड़ा किए फिर तुरंत घुमाएं। ठीक है, इसे जल्दी जल्दी छिलना नहीं पड़ेगा आपको, थोड़ा किए तुरंत घुमाएं। ठीक है, तो ये ऐसे करना है आपको, तो आप देख रहे हैं सामने से, देखिए मैं थोड़ा सा सामने से दिखा दूँ आपको, दिखा दूँ कि सामने से आपको हल्का हल्का स्ट्रोक जो ये दिख रहा है 45 डिग्री का, ये स्ट्रोक दिखेगा। ठीक है, तो आपको इस हिसाब से काम करने हैं 45 डिग्री में, तो आई होप आपको समझ आया होगा कि 45 डिग्री में काम कैसे करने हैं। और साथ ही इसका एक और ख्याल रखिए कि जो पेंसिल का नोक है आपका वो जितना साफ जितना पतला रहेगा उतना अच्छा ये स्ट्रोक जाएगा, क्योंकि अगर ये मोटा हो गया तो फिर स्ट्रोक मोटा मोटा जाएगा तो वो मोटा स्ट्रोक अच्छा नहीं लगता, स्ट्रोक जितना पतला रहे वो ज़्यादा ही खूबसूरत लगता है, ज़्यादा ही निकल के आता है। तो फिर आपको ऐसे ही करना है 45 डिग्री, और कोशिश करें जब आप बैठे रहें, जब आपके पास खाली समय हो तो एक पेपर ले लें, कोई न्यूज़पेपर पे भी आप यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये तो रफ़ काम है। ठीक है, तो जब आप खाली बैठ रहे तो इसका बहुत प्रैक्टिस करें, बहुत ज़्यादा, हम लोग मैं खुद आधे आधे घंटे एक एक घंटे सिर्फ ले के पेंसिल ऐसे बैठ के पूरा प्रैक्टिस करती थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब तक आप रफ पेज में इसका प्रैक्टिस, क्योंकि अगर जो बिगनर्स हैं जो एकदम नए हैं जिनको पता नहीं है उनको तो और ज़्यादा करने की ज़रूरत है इसकी प्रैक्टिस, नहीं करेंगे तो नहीं आएगी फ्लुएंसी हाथ में, तो ये बहुत करें। साथ ही मैं थोड़ा सा हाथ फ्री करने के लिए एक दो आपको और बता दूं कि आपको रफ फेज में और क्या क्या प्रैक्टिस करनी है, आप राउंड का प्रैक्टिस करो ऐसे करके, इससे क्या होगा ना आपके हाथ में फ्लुएंसी आएगी और जिससे आप जब काम करोगे तो मतलब बहुत अच्छे से आपका हाथ चलेगा, ये करो। फिर से साथ में
अब मैं दूसरे पेज में बताती हूँ। आप सीधा लाइन का प्रैक्टिस कीजिए, ऐसे सीधा एक स्टेप से लेके ऐसे, इतना जल्दी आपका जो लाइन है वो सीधा खिंचाना चाहिए, इसका प्रैक्टिस कीजिए, प्लस इस तरह का लाइन का प्रैक्टिस कीजिए। इससे आपके हाथ में बहुत फ्लुएंसी आएगी। ये सारे जो तैयारी करते हैं बच्चे, ये करते ही करते हैं। हम लोग खुद बेच में जब हम लोग पढ़ते थे तो हम लोग सब करके लाते थे, हमारे टीचर्स देते थे कि सिर्फ इसके दो तीन पन्ने करके लाओ, सिर्फ इसके दो तीन पन्ने, सिर्फ राउंड के दो तीन पन्ने, 45 के दो तीन पेपर में आप दिखाना रहता था। तो ऐसे हम लोग दो दो घंटा तो इसी में ही दे देते थे पूरा टाइम कि ऐसे, और उससे फ़ायदा बहुत होता है, बहुत ज़्यादा होता है। आपके हाथ में जो आपका जो हाथ है वो बहुत फ्री होगा, फ्लुएंसी बहुत अच्छे से आएगी, और जब आप अपने वर्क पे काम करोगे तो आपको समझ आएगा कि हाँ आपको थोड़ा इजी लगेगा काम करना। तो ये चीज़ मैंने जैसे बताया, एक ऐसे लाइन वाला प्रैक्टिस ऐसे ऐसे करके, और एक सीधा लाइन वाला प्रैक्टिस दो हो गया, एक राउंड वाला प्रैक्टिस आपको करना है, एक गोला करना है इसी पे, जितना जीत सकते जितना, इसको एकदम काला कर दीजिए चीज़ के, हम लोग तो पूरा कॉपी काला कर देते थे इसको, जितना इससे आपके हाथ में फ्लुएंसी आएगी। और एक 45 डिग्री लाइक ये वाली देख सकते हैं आप, तो इतने की आप इस पर तो खैर खूब कीजिए क्योंकि इस पर आपको काम करना है, ये सब चीज़ों पे आपको काम कम करना है, ये सब चीज़ों पे काम नहीं करना है, ये सब चीज़ों पे बस हैंड फ्री करना है। तो ये सब चीज़ें भी करें, ये कम करें तो चलेगा लेकिन ये ज़्यादा करें क्योंकि इस पे आपको एग्ज़ाम में काम करना है। आप देख रहे हैं यहाँ का जो ये बीच का डार्क दिख रहा होगा, लेकिन आपको साइड साइड में डार्क नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, ये बीच में डार्क दिख रहा होगा जिसका ये है, और फिर जब साइड साइड से मिटाओगे तो आपको यहाँ के स्ट्रोक्स दिखेंगे नहीं। मान लीजिए कहीं से निकल गया तो आप आराम से ऐसे सीधा सा मिटा लीजिए, मिट गया, तो आपको ऐसे ही काम करने। आई होप आपको समझ में आया होगा, आ गया होगा कि 45 डिग्री पे काम कैसे किए जाते हैं और मर्ज पे काम कैसे किए जाते हैं, मर्ज कैसे किया जाता है और मर्ज विद 45 डिग्री कैसे करना है। पहले मर्ज आपको जो मैंने बताया कि पहले मर्ज कर लो, फिर ब्रश से आप अच्छे से उसको और अच्छे से उसको मिला लो, और देन या तो ब्रश से मिला लो या तो कॉटन से, लेकिन मैं बोलूँगी कि ब्रश से ही मिलाइएगा, वो बहुत ज़्यादा सही होता है। देन उसके ऊपर आप 45 डिग्री का स्ट्रोक लगाएं, और जो साइड साइड से आपका जो निकल गया है ऑब्जेक्ट के बाहर जो इस आपका 45 डिग्री का जो स्ट्रोक निकल गया उसको इरेजर से इरेज कर लें। तो मेनली आपको ये करना है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और जो अभी नेक्स्ट वीडियो आएगा उसको मैं दिखाऊंगी कि आपको वर्क पे आप 45 डिग्री और मर्ज का काम करके दिखाऊंगी कि आपको कैसे करना है। जो मैंने अभी आपको इसके पहले वीडियो में दिखा चुकी हूँ, जो मैंने टिफ़िन बना के रखा है, मैं उस टिफ़िन में दिखाऊंगी, पहले उस पर मैं मर्ज करूंगी, फिर उस पर 45 डिग्री का स्ट्रोक चलाऊंगी, तो आप अच्छे से देखना। तो फिर आप अब मैं उसको स्टॉक में अब मैं उसको ऑब्जेक्ट में करके दिखाऊंगी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, इसमें भी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो।